पवन जी, पवन जी उठो, 8 बज गए, चलो उठो। गैस मैं रेडी हो गई हूँ, मनु हो गई है रेडी, मनु के पापा बस तैयार होने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कैची धाम, एकदम रैंडम हमारा बना था प्लान, तो हम आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे आपको, बाय। ये हमारी पार्किंग है, भी आके खाओ, एंजॉय करो बच्चों के साथ में। आओ, अरे आओ ना बेटा, अगर तुम्हारी चोट लग गई तो मैं पिटाई कर दूंगी। पापा आ रहे होंगे, हैंड वॉश करने के लिए, वॉशरूम की तरह। ये स्विमिंग पूल भी है, हैंड वॉश कर लो पहले, चलो बाद में कराएंगे, हैंड वॉश करो। इसके वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन एकदम। क्या ऑर्डर कर रही हूँ मनु? मक्खन, चटनी। अच्छा, हमारे सैंडविच आ गए, चाय। मनु कैसी है? पराठा पेट के अंदर है। कैसा है? अंदर है, एडजस्ट हो गया। ये भी खाओ थोड़ी, ये बहुत है सैंडविच। वो देखो गाइस, हम गर्मी में बर रहे हैं, मर रहे हैं। बर रही हो? ला दिखा। एक सेकंड मम्मा, ओ मेरे हाथ नहीं है। ठीक है रहने दो। गाइस मनु सो चुकी हैं, पवन गए अमरुद लेने, वो देखो आपको दिख रहे होंगे, बस हम पहुंच नहीं वाले हैं। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, फिर आपको दर्शन, तो कैमरा तो नहीं ले जाने देंगे अंदर मोबाइल, लेकिन हाँ कोशिश होगी उतनी मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा सकती हूँ, व्यू बहुत अच्छा होता है। तो बाबा ने आखिरकार हमें बुला ही लिया, तो अब हम लोग बस जा रहे हैं कैची धाम। कितना मस्त मौसम है, ऐसा लग रहा है हम बादलों के ऊपर जा रहे हैं। ये देखो कितना बढ़िया है, ये अच्छा है यार, नहीं रोकोगे? मजा आ गया मनु।
मौसम है और मैं प्रे कर रही हूँ नीम करौली वाले बाबा आज बर्फ गिर जाए, स्नो फॉल हो जाए तो मजा आ जाए, मजा ही आ जाए। हाथ में बोतल खड़ी है, मम्मा का बर्थडे मनाने का वो केक काटेंगी। गाइस ये हमारा केक है मम्मी का, देखो पापा क्या करते रहते हो, रूम भी दिखाती रूम के अंदर। देखो गाइस रूम, ये देखो ड्राइंग है, ये देखो वहाँ पे किचन है और यहाँ पे बेड है जहाँ पे मम्मी पापा सो रहे हैं और ये देखो पापा मूवी देख रहे हैं। इसमें हम कैरम बोर्ड खेलने जा रहे हैं पापा और मैं। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और होटल में कोई भी नहीं है, हमें पूरा होटल खाली है, जा रहे हैं केक कट करने खाने के लिए। ये कैरम नहीं होता है यार, ये कैरम है वो तो गोल्फ होता है। हाँ खेलो, क्या है ये बोलो, खेल के दिखाओ ना, एक तो मार के दिखाओ, देखे तुम्हें आता है कि नहीं। चलो हम यहाँ पे आए खेलने के लिए और देखो मम्मी अब मारेंगी, मारो। चलो हो गया, खेल गया तेरा, ये चेस है बेटा। अपने रूम का वॉशरूम नहीं यूज कर सकते, रूम का नहीं कर सकते। ये होटल है बिल्कुल खाली पड़ा है। किधर भी बैठो, इधर बैठो, इधर साइड बैठ लो ना, तो किचन है ना, इधर। ये हमारा सूप आ चुका है, सूप कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, पर मुझको नींबू खाना है। ये हमारा होटल है, अच्छा है, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। कहाँ गाड़ी में क्या करने जा रहे हो? मन्नू ये चेस खेल रहे, सॉरी कैरम खेल रहे हैं और मन्नू के पापा चेस अकेले खेल रहे हैं। मेरी गिरने वाली थी, सब मम्मी खेल रही हैं, डैडी खेलेंगे। ऐ रहन दो, फिस हो गई, रहन दो, मन्नू के पापा देखें कौन गिराता है। कोई तरीका नहीं, तो पहले पूरी रखो, पूरी करो, नहीं कर पाए, एक बार और, चलो एक और रहन दो। मन्नू और मन्नू के पापा दोनों पैकिंग कर रहे हैं।
लाल किला का भूत बुलैया। गाइस जिस फ्लोर पे हमको मिला है वो फ्लोर बिल्कुल खाली है। इधर भी हॉल है इतना भयानक, सच में कौन या कोई नहीं है। उसने रूम ही पता नहीं मैं कौन सा दिया है। अरे रूम में नहीं लेकिन फ्लोर पे तो कोई नहीं है। ये लॉबी है या बैठने की। ये देखो इतना बड़ा मिरर है और ये पेंटिंग देखो कितनी अच्छी है। ओह क्या हुआ, ये हमारा रूम है और ये रूम में देखो ये कौन बनवाता है वॉश फेशन। देखो देखो कान बालकनी। ये हमारा बेडरूम है, बालकनी है। ये टीवी, ये हमारा सामान फैला पड़ा है। तो गाइज हमारा रैंडम प्रोग्राम बना था नीम करौली बाबा के यहाँ, तो हम लोग दर्शन करने गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यू था नैनीताल का भी। तो हमने वो ब्लॉग आपके लिए डाल दिया है, अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज़ लिखना सेकंड पार्ट, हम वो भी डालेंगे। नैनीताल का बहुत अच्छा बना है, बाबा की कृपा रही तो हर साल जाएंगे। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइज। मेरे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप चैनल को, अगर मैं इसीलिए तो मेरा मन नहीं करता कि मैं और ब्लॉगिंग करूँ। अगर आप लोग मेरे को अच्छे से सब्सक्राइब करोगे तो मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।